हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में, आगे क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर एंड तक, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएँ। वेल दोस्तों, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50, जैसा कि मैंने परसों के दिन आपको स्टडी कराया था कि ये वाली जो रेंज थी, ये जैसी ब्रेक करेगी तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है, ये वाला टारगेट। और वो कल के दिन ही हमें जो अचीवमेंट मिली थी, वापस से रिकवर कर गया था प्राइस, लेकिन आज फिर से इसमें जो है एक गिरावट देखने को मिली है। इसी रेंज में जो है आज के दिन ट्रेडिंग सेशन कम्प्लीट हुआ है, तो कल का देख सकते हैं दोस्तों। कल अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है और 15 से 20 मिनट अगर इसी जगह पे सस्टेन करने के बाद ये ब्रेक करती है तो फिर से एक मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको दिखाई पड़ सकता है 21,350 तक के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, सीधा गैप अप ओपन होता है तो प्राइस एक्शन बनाने के बाद हम देखेंगे, अगर इस वाली लेवल को तब तक ये नहीं निकालता है तब तक इसमें कोई बुलिशनेस हमें दिखाई नहीं पड़ने वाली। सिमिलर दोस्तों, आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी की ये वाली लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करती है तो हमारे जो टारगेट है वो आते हुए नजर आते हैं, जो कि 47,400 के लेवल्स मैंने आपको स्टडी कराए थे। उस लेवल के आसपास आने के बाद वापस से प्राइस ने जो है रिकवरी की है। तो कल के दिन भी हम ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली लेवल और ये वाली लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है कल इसी के बीच में जो है आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़े, और अगर ये अपने आप को ऊपर की तरफ सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ता है, अगर ये वाली लेवल ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ फिर से एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज दोस्तों, ये वाले लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 47,400 के। अगर ये वाले लेवल ब्रेक करेगी यहाँ पे सस्टेन करने के बाद तो आपको ये वाले लेवल इजीली दिखाई पड़ सकते हैं 46,900 के। अगर सीधा गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस एक्शन बनाने के बाद हमें ये देखना है कि प्राइस कहाँ पे जाना चाहता है, उसके बाद ही हमें कोई यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। वेल दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जो कि रिसेंटली हमने स्टडी कराए थे। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों सन फार्मा एडवांस। आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास मैंने स्टडी कराया था, जो कि आपका 25 नवंबर के आसपास की डेट थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम इसने जो बना के दिया हुआ है। करीब दोस्तों 2 वीक्स में, मतलब 15 डेज के अंदर अंदर इसने जो है 52% का रिटर्न ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। आई होप कि आपने इसको गेनफुली एंजॉय किया होगा, और दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग मिली होगी, क्योंकि मैं इसके पीछे का लॉजिक भी बताता रहता हूँ। अगर वो चीज़ आपको डीपली समझनी है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको जो कोर्स से रिलेटेड, बेसिकली दोस्तों मैं अपने कोर्स का प्राइस जो है इंक्रीज़ करने जा रहा हूँ। तो इस साल में जो है एक जो हमारा मेन प्राइस है 7,999, इस वाले टारगेट पे हमें पहुँचना है इस प्राइस को लेके, तो ये अमाउंट जो है जल्दी ही बढ़ने वाला है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी जो प्राइस चला हुआ है वो 4,999 है, यहाँ से ये शिफ्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने का। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं आप फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट ओके दोस्तों, इंडो अमाइंस। आप देख सकते हैं परसों मैंने आपको स्टडी कराया था, 2 दिन पहले 142 के आसपास था, उस दिन यहाँ पे इस प्राइस ने क्लोजिंग दी थी, फिर मैंने आपको स्टडी कराया था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है करीब 15% का रिटर्न 2 दिन के अंदर आपको ये दे चुका है। तो इतने फास्ट मोमेंटम वाले स्टॉक्स मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरी डीपली एनालिसिस हमने अपने कोर्स में बताई हुई है। वेल दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स जो आगे चल के एक अच्छा मोमेंटम हमें दे सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों बायकॉन लिमिटेड। अब आप इसको देख सकते हैं, ये वाली एक लेवल रहने वाली है हमारी 280 की, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये तेज़ी यहाँ से बरकरार है तो अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली आपको सीधा सीधा रिटर्न देगी, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट दिखा के उसके बाद ये रिटेस्टमेंट करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी आप जो नज़र बना के रख सकते हैं, इसको अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट ओके दोस्तों, यस बैंक। यस बैंक में दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मेरे को एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यस बैंक में दोस्तों एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को आगे मिल सकती है। इस डेट को आप याद रखना, आज क्या है, 3 जनवरी है 2024, ठीक है, इस डेट को याद रखना। आप इसको स्टडी करो, ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने से आप फटाफट जाके इसको बाई कर लो, क्योंकि ये एक पैनी स्टॉक बन चुका है, बट इसमें जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन मुझे शो हो रहा है।
बट एज पर माई एनालिसिस इसमें एक पोटेंशियल है दोस्तों, बहुत ही अच्छी पोटेंशियल जो कि आगे चल के एक बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें दे सकती है। बट आपने इसको अपने एंड पे इसको स्टडी करनी है, और अगर इसको बाई करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जाती है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों गुजरात गैस, आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास हमने स्टडी कराया था, ऑलरेडी 9% का रिटर्न ये दे चुका है, बट हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद ये चलना स्टार्ट करे, तो हमें यहाँ पे जो है अपनी स्टडी करनी चाहिए, स्टॉक्स में देखना चाहिए कि क्या कुछ मोमेंटम है, ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है, उसके बेस पे हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, वो आपको अपने एंड पे स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों TCNS क्लॉथिंग, आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ पे एक फ्लैट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और इसमें आगे चल के एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो ऑल टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।